हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है पहला अर्ध्य छठ पूजा का, यानी कि आज तीसरा दिन है। आज हम नदी जाएंगे, सब लोग शाम में तैयार होकर के अच्छे से, और भी प्रसाद बन रहा है ठेकुआ, जो कि बहुत टेस्टी होता है। कल खाने के लिए मिलेगा, आज नहीं, आज बस बनाना है। और पूजा होगा शाम में, फिर कल सुबह में, उसके बाद तो प्रसाद मिलेगा ही। सो वेट करना है कल तक, और फिर सूप वगैरह सजेगा, अभी सब दिखाऊंगी आपको। सो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड विथ मी। तो हैप्पी छठ पूजा आप सभी को, आपको मेरे और मेरे परिवार के साइड से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो गाइस, सो हम अभी मार्केट आए हुए हैं क्योंकि हमें कुछ कुछ शॉपिंग करना था छठ पूजा से रिलेटेड। तो अभी हम गन्ना देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारा गन्ना बिक रहा था। और भैया से हम पूछ रहे थे इसका रेट क्या है, तो भैया बता रहे हैं कि दो दो गन्ना का 80 रुपया मिलेगा, मतलब 80 रुपये पेयर मिल रहा था दो हमें गन्ना। और बोल रहे हैं साथ में कि हम बहुत ज़्यादा दूर से लेकर के आए हैं, आपको जल्दी मिलेगा नहीं। तो अब हम आगे बढ़े, हमें सूप दिख गया, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। छठ में तो सूप गन्ना यही सब का शॉपिंग होता ही है, लोग खरीद भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। गाइस, बहुत सारा चीज़ बिक रहा है यहाँ पे, देखिए खिलौना और तोता वगैरह, टेडी बियर वगैरह सब कुछ यहाँ पे बिक रहा है। मेरे भी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि नारियल वगैरह सब बिक रहा है यहाँ पर, सब लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं, खासकर लेडीज लोग, आंटी लोग बहुत ज़्यादा। देखिए और यहाँ नारियल बिक रहा है। अरे पटाखा भी लेना है क्या? देखो ना कितना सारा बड़ा बड़ा सा पटाखा है। आज का भीड़ है ये, फर्स्ट टाइम आए हैं इनके पास, अच्छा काम करें बस ताकि दोबारा आए हम लोग। तो गाइस बहुत जोर से भूख लग गया था, तो मैंने देखा क्या खाऊं, तो देखा वड़ा पाव। पानी का लगा हुआ है, पानी हम मिल नहीं रहा है, तो उसका जुगाड़ गन्ना का जूस। सो गाइज, हम घर आ गए, आप देख सकते हैं कि यहाँ ठेकुआ बन रहा है। आज लगी हुई है मंगला। सांभवी, मंगला, मम्मी, फुआ सब मिलके अंदर का काम कर रहे हैं एकदम। आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी होने वाला है नदी पे, लगभग यहाँ पे सबके घर में छठ हो रहा है। बहुत सारे लोग नए नए भी स्टार्ट किए हैं इस बार से, जल्दी भी जाना होगा नदी। फल धो धो के रखा जा रहा है, अभी फिर इसे सजाया जाएगा सूप में। Thank you.
दौरा कंप्लीट हो चुका है बंद करके और तीसरा दौरा बस बनने ही वाला है, फिर तीनों कंप्लीट हो जाएगा। हेलो गाइस, तो शाम हो गया है और अब हम जा रहे हैं नदी पहला अर्घ्य देने आज, और बहुत मजा आने वाला है और आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है नदी पे। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कैसा है आज का पूरा नदी का व्यू। सब लोग हड़बड़ा चुके हैं पूरा नदी जाने के लिए, अभी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट हो गया है। तो अब तीनों लोग साथ में हैं, बस जाने ही वाली है नदी। और यहाँ नदी जाने से पहले एक ग्रुप फोटोशूट हो रहा है। और यहाँ आभास और सम्राट को कतारी यानी गन्ना ले जाने का काम मिला है, तो दोनों बच्चे लेकर के जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग अभी लगभग नदी पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ ये है नदी का व्यू आज का, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, देख सकते हैं अभी आप दिखाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है आज। Come on.
कभी और आएंगे। तो सर आ गए हैं पूजा करवाने के लिए, हम तो अब जा रहे हैं पूजा में ध्यान लगाने के लिए, आप भी ध्यान लगाइए हमारे साथ। सर के असिस्टेंट अभी मिंटू बचा है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग नदी से आ चुके हैं, सब लोग थक भी गए हैं और पूजा हो गया अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। अब बस कुछ खाएंगे, भूख लग गया, फिर प्रसाद बनाना है रात भर बैठ के, फिर कल सुबह अर्घ्य देने हम लोग नदी जाएंगे। नदी से आके सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नदी से आके कैसा लग रहा है शाम भाई? मम्मी थक गई क्या? थक गई? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है दादी नदी से आके? अच्छा लगा ना? अब शाम का पूजा हो गया, अब कल जाना है, अब कल जाना है। हाँ, अब ठेकुआ ठोकना है बैठ के सबको, रात भर जाके ठेक। और क्या करना है जाके? हाँ, फिर कल सुबह का अर्घ्य देने जाएंगे। बस इसी के साथ छठ पूजा समाप्त होगा। बीच में आइए पोज देने, देख लो इसको मेरी। लगता है सब लोग थक गए हैं नदी से आके। हाँ, फेस से लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा कि थक गए हैं। क्या थकी कि नहीं? पर थकने से कुछ नहीं होगा, इरादा बैठ के ठेकवा ठोकना है सबको। क्या काम भाई? तो अभी कुछ खा लो, समोसा आएगा अभी बिना लहसुन प्याज का, फिर बैठ के सब। हाँ, तो गाइस आज का दिन पूरा ऐसे बीता और नदी से आ चुके हैं हम। अब कल जाएंगे दूसरा अर्घ्य देने के लिए और कल पूजा समाप्त भी हो जाएगा और कल ठेकुआ भी मिलेगा खाने के लिए प्रसाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।